जान से मारने की नीयत से आए थे बदमाश, पुलिस पर कर दी फायरिंग। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा में की फायरिंग, दाहिने पैर में लगी बदमाश को गोली। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर पुलिस को मिलती है बड़ी सफलता। एक अदद सरकारी पिस्टल 9 mm के साथ 7 अदद जिंदा कारतूस, 2 खोखा भी पुलिस करती है बरामद। और खबर देखें पूरी जानकारी के साथ, ये खबर गाजीपुर जिले की है। जब थाना खानपुर के अंतर्गत सोना चट्टी पर 2 व्यक्तियों के द्वारा फायर किया जाता है, लूट का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसी समय जनता की मदद से एक व्यक्ति को किया जाता है गिरफ्तार। तुरंत लोग करते हैं पुलिस को सूचित, पुलिस उनको लेती है, अभियुक्त को कब्जे में लिखती है मुकदमा, फिर करती है कड़ाई से पूछताछ। पूछताछ पर वह करता है जुर्म अपना कबूल। अपने साथियों के साथ नंदगंज थाना के अंतर्गत चिलार के त्रिमुहानी के पास वो करता है लूट को स्वीकार। फिर थाना खानपुर थाना अध्यक्ष नंदगंज को देते हैं सूचना। फिर नंदगंज की पुलिस पहुंच जाती है खानपुर और वहां पर करती है अभियुक्त से पूछताछ। लूट की घटना को वो करते हैं स्वीकार। लूट का माल बरामद करते हैं पुलिस। सुखवीर एग्रो राइस मिल के पीछे फतेहुल्लाहपुर पुलिया के पास बरामद किया जाता है। उसके साथ ही वह पुलिस को धक्का देते हैं बदमाश और पिस्टल छीनकर पुलिया के किनारे छुपने का करते हैं प्रयास। फिर करती है पुलिस फायरिंग और पुलिस ने किया है दिल्ली। उसके बाद लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं गाजीपुर में, गाजीपुर के SP के कुशल निर्देशन में। आगे क्या बोले पुलिस अधिकारी। दिनांक 30/8/24 को थाना खानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोना चट्टी पर 2 बदमाशों द्वारा फायर करते हुए लूट का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर जनता के व्यक्तियों द्वारा 1 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस थाना खानपुर को सूचित किया गया। पुलिस थाना खानपुर द्वारा मुकदमा कायम करते हुए कड़ाई से पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान उक्त बदमाश ने बताया कि मेरे साथियों के साथ में थाना नंदगंज के अंतर्गत त्रिमोहानी चिलार पर लूट दिनांक 23/8/24 को किया गया था, जिसकी सूचना थाना खानपुर द्वारा थाना नंदगंज को दिया गया। थाना नंदगंज भी मौके पर थाना खानपुर जाकर उक्त बदमाश से पूछताछ किया गया। बदमाश की पूछताछ के दौरान बताए गए निशान पर उसको ले जाकर ग्राम फतेहुल्लाहपुर थाना नंदगंज में लूटी गई सामान को बरामदगी कराई गई। बरामदगी के दौरान SI श्री आनंद गुप्ता की सरकारी रिवाल्वर को उक्त बदमाश द्वारा शैलेश यादव और पुत्र हीरा लाल यादव द्वारा अचानक धक्का देकर फायर किया गया जान से मारने की नीयत से, और उसी जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिस पर उक्त बदमाश शैलेश यादव पुत्र हीरा लाल यादव थाना केराकत जनपद जौनपुर का निवासी था, वो भी घायल हो गया है। घायल को CHC नंदगंज भेजा गया है इलाज हेतु और विधिक कार्रवाई की जा रही है।